पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। गंगा प्रसाद अग्रवाल जी से लिखी हुई ग्राम स्वराज क्षेत्र इस पुस्तक के बारे में हम जान रहे हैं ना। आज चेतना जागरण इसके बारे में हम जानेंगे। चेतना जागरण कई तरह से किया जा सकता है। सभा गोष्ठी उसके बहुपरिचित प्रकार है। विभिन्न प्रकार के और विभिन्न वर्गों के रिवर चलाए जा सकते हैं। बौद्धिक शिविर, श्रम शिविर, कुशलता विकास शिविर, अकल्पनीय और दीर्घकालीन शिविर, ऐसे कई प्रकार के शिविर हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए अलग शिविर होंगे तो युवकों के शिविरों का विशेष स्थान है। महिलाओं के लिए अलग शिविर लिए जा सकते हैं। किसान, शिक्षक, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, ऐसे स्वतंत्र शिविर लेने से खास विषयों पर बल देना संभव हो सकेगा। खेती में सेंद्रीय खाद, पानी रोको, मिट्टी रोको, प्राकृतिक खेती आदि विषय लिए जा सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा पद्धति, नई तालीम, आचार्य कुल आदि विषयों के स्थान देना होगा। बुद्धिजीवी लोगों को विभिन्न विचारधाराओं का परिचय कराते हुए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आज का रोल तथा भविष्य में स्थान के बारे में विवेचन करना होगा। क्षम जीवियों का अक्षर ज्ञान, काम के अवजार और उनका विकास, सामाजिक समानता आदि विषयों पर बातें करनी होंगी। हो सकता है उनको साथ काम करते हुए यह शिविर चले। कलापथक गांवों में चेतना जागरण का प्रभावी माध्यम है। गीत गाने वाली, नाटक खेलने वाली टोली लोक रंजन के साथ चेतना जागरण काम आकर्षक पद्धति से कर सकती है। पिछड़े क्षेत्रों में इसका अधिक उपयोग हो सकता है। चेतना जागरण में पत्रिकाओं की अपनी एक विशेष भूमिका है। हर गांव में पत्रिका पहुंचानी होगी। गांव की जनसंख्या अधिक हो तो एक से अधिक पत्रिकाएं जानी चाहिए। केवल पत्रिका पहुंचने से काम नहीं होगा, उसके सामूहिक पढ़ाई का प्रबंध करना होगा। पत्रिका में आई जानकारी पर चर्चा भी चलनी चाहिए, इसलिए पत्रिकाओं को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सरल भाषा में व्यवस्था परिवर्तन संबंधी सामग्री देनी होगी। पत्रिका के साथ साथ साहित्य का चेतना जागरण में महत्वपूर्ण स्थान है। यह साहित्य घर घर पहुंचाना होगा, कुछ बिक्री के रूप में तथा कुछ गांव के वाचनालय के रूप में साहित्य दिया जा सकता है। आने वाली पुस्तक का परिचय देने का काम कई कर सके तो पुस्तक पढ़ने वाले की दिलचस्पी बढ़ सकती है। इस तरह से निरंतर चेतना जागरण का सिलसिला चलाना होगा। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सभा शिविर सम्मेलनों में क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भेजने से क्षेत्र के चेतना जागरण में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ प्रत्यक्ष कृति कार्यक्रम से भी चेतना जागरण काम हो सकता है। संगठन सर्व को व्यवस्था परिवर्तन का काम करना है तो इनको कई तरह से संगठन करने का प्रयास करना होगा। हर गांव में ग्राम सभा संगठन करनी होगी। गांव के हर बालक को इसमें शामिल करना चाहिए। गांव में कानून बनी ग्राम सभा से यह अलग हो सकती है। ग्रामदानी गांव या कुछ अपवादात्मक गांव में एक ही ग्राम सभा काम कर सकती है। इसकी नियमित बैठकें करनी होगी। सामान्य तौर पर हर माह से कम एक बैठक होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर एक से अधिक बैठक लेनी होगी। गांव में चलाए जाने के कार्यक्रम की चर्चा बैठक में हो। निर्णय सर्व समिति या सर्वानुमति से हो, जहां ग्राम सभा की स्थापना असंभव दिखती हो वह ग्राम स्वराज समिति बनाई जा सकती है। लेकिन ग्राम स्वराज समिति को समय आने पर ग्राम भाव में विलीन होना है, इसका ध्यान रखा जाए। ग्राम स्वराज समिति द्वारा उस तरह की परिस्थिति पैदा करनी होगी। ग्राम स्वराज समिति से बाहर रहे हुए लोगों को जोड़ने का काम निरंतर चलाना होगा। ग्राम स्वराज समिति का काम सर्व को इकट्ठा लाने का कदम होगा। युवकों का अलग संगठन बनाना होगा। युवकों में अतिरिक्त ऊर्जा होती है, किसी काम में पूरी शक्ति के साथ निकल पड़ते हैं। संघर्ष के काम में उनका योगदान अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। कल की जिम्मेदारी युवकों उठानी है, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से काम करने का अनुभव भी आना चाहिए। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए युवकों का अलग संगठन होना आवश्यक है। ग्राम सभा में युवा होंगे ही,
ग्राम स्वराज क्षेत्र के काम के लिए बने क्षेत्रीय संगठन के भी वे अभिन्न अंग होंगे। युवा संगठन कहने में युवतियाँ भी उसमें रहेंगी, उनके अलग नहीं रखा जा सकता। जमाने की रफ्तार के साथ चलने के लिए युवा और युवतियों को साथ मिलकर काम करना होगा। युवकों का जोश संगठित होने पर आंदोलन की गति तेज हो सकती है, कभी कभी यह जोश बेकाबू भी हो सकता है। ऐसे समय अनुभवी लोगों का होश उनसे जुड़ना चाहिए। युवा शक्ति इस तरह से आंदोलन से जड़ेगी तो लक्ष्य की पहुंचने में आसानी होगी। दल मुक्ति और शांतिमय साधन की मर्यादा युवा संगठन की रीढ़ की हड्डी बननी चाहिए, वरना संगठन का भटकाव अवश्य भावी है। इतिहास के अनुभव से हमें सीखना होगा। बुजुर्गों का आवश्यक हस्तक्षेप की संगठन में नहीं होना चाहिए। युवकों का संगठन से कतरने वाले वह एक कारण बन जाता है। ऐसा युवा संगठन ग्राम स्वराज क्षेत्र के काम में अहम भूमिका अदा कर सकेगा। धन्यवाद। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.